शांति 26 सितंबर 2023 बाबा की महावाक्य। मीठी बच्ची, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रश्न, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर, पहला, याद में रहने का पुरुषार्थ करो, इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। दूसरा, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है, जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा इनाम मिलेगा। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य, साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं, वह ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहां से चली जाएंगे। कहां जाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं हैं। तुम जानते हो सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। दो बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है। यही भूल है। यूं तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, यही भूल है। यह भी कहते हैं कि हम जीवात्मा हैं, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे, तब वह फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है, पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा हैं। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है, ये चाचा है, मामा है। शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़ी कहा जाता है। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। ना परमात्मा जन्म मरण में आते हैं। परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। यह भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा है देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर सम्मुख बैठी है। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना। रचता को बाप कहा जाता है, बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं। भल विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाप से हम दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। तुमको भी याद करना है, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ, आत्मा का ज्ञान तो तुमको है। ये जानते हो आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता परमात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है।
बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूँ, जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं। यह कहने कोई को आएगा नहीं, बाप ही कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। बरोबर अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी हैं। ये सारा समझाने पर मदार है, चित्र देखने से कोई समझ जाए सो मुश्किल है। जब तक टीचर ना समझाए, स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, यह इंडिया है यह लंदन है, बिगर समझाने बुद्धि में आ ना सके। अगर नक्शे में नाम पढ़ें तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है कौन राज्य करते हैं कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यहाँ भी हर बात समझने की होती है, आजकल तो पहले भपका चाहिए शो देखकर ही आएंगे। अब वहां समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, बच्चे ही समझाएंगे कि यह जगत अंबा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं कामधेनु बैठी है, तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत की माँ भी होगी, परंतु जगत अंबा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले पहले समझाओ दो बाप हैं, एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का वर्षा लो। बहुत गई थोड़ी रही, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं, मासी का घर नहीं। अर्जुन कुछ न कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना, कितनी मेहनत लगती है। अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे, मुश्किलात है ना। यह तो तुम ढिंढोरा पिटवा दो जो कोई फिर उल्हेना ना देवे, तुम कह सकेंगे हम तो ढिंढोरा पिटवाते अखबार में डलवाते थे। जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है, दिल्ली है सारी भारत की गति, वहां सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं, अखबार द्वारा भी इत्तला करना है। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अभी फिर पार लौकिक बाप से वर्षा लो। जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आकर लो, सभी अखबारों में डालते जाओ शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत, सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है। तो सबसे बड़ा तीर्थ परम पिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना, परंतु यह किसको पता नहीं है। क्राइस्ट इब्राहिम बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, नहीं तो इतनी आत्माएं कहां से आती हैं? जरूर सेक्शन है जहां से आते हैं, हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी। यह झाड़ बड़ी अच्छी चीज है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबर वार है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं, इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं यह आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं, वहां देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो पांच तत्व भी तमो प्रधान है, सतयुग में पांच तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है, वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती, यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहां तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं, दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए, वहां तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं, लूले लंगड़े होते नहीं। यहाँ तो देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं। तो तुम ऐसे परिस्थान के मालिक बन रहे हो, एक ही मुसाफिर आकर परिस्थान में ले जाते हैं, तुम मुसाफिर यहाँ पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाते हो, आत्मा काली हो जाती है। बाप तो एवर हुसैन है, उनमें कभी खाद नहीं पड़ती है, मैं तो सच्चा सोना हूँ इसलिए मुझे बुलाते हैं।
एवर पावन को ही बुलाते हैं, बाबा आओ हमको भी आप समान बनाओ। तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे, बाकी सतो प्रधान में तो सबको आना है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं ना, कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है, कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाई, सफली होगी वह जो खर्चे नाम धनी के। क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने, जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा। तुमको तो वहां ढेर की ढेर मिल्कियत होगी, कितना सोना हीरे जवाहर आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही, हीरे सोने आदि की खानियां सब तुमको नई नई मिलेंगी, पत्थरों मुहाफिक हीरे पड़े होंगे सब तुमको मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं वहां सोने के महल बनाते रहेंगे, धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी, जो पूरे दानी बनते हैं वह भी सोने के बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं, ऐसे भी नहीं कहते तुम भूख मरो, बच्चों आदि को भी संभालना है, रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना है, भूख नहीं मारना है, रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी हैं, जानते हो फैमिन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, त्राही त्राही करेंगे फिर जय जयकार होगी। सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा, बाप है ही दुख हरता सुख करता। सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता सुख शांति सब है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा पार्ट ही उस समय का है, इसलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता सुख दाता। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं, जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए, तो बच्चों को माता पिता का शो करना है, जितना शो करेंगे सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं। और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे, परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है, तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में भी दिखाया था फिर अंत में दिखाएंगे। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट ताज आदि पहनाते थे, फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। मिरुआ मौत मलुका शिकार, उसी समय पार्टीशन में भी मिरुआ मौत था ना, तुमको कोई परवाह नहीं थी, तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, हम आत्मा हैं। एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो, जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे वह यह सब नहीं देखेंगे, पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वह भी तुम देखेंगे। मेहनत करो, मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं, प्यारी बच्चों को बहुत प्यार मिलता है, जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परम पिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं, दैवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठे हैं, जिससे वर्षा मिलता है उनसे लव रहता है, दलाल से नहीं, दलाल तो बीच में हुआ, सौदा तुमको उनसे मिलता है तो बाप को याद करो, देह अभिमान को छोड़ते जाओ, मेरा तो एक बाबा दूसरा कोई भी देहधारी याद ना आए। यह तो बाबा पुरानी बूट में आए हैं, मैंने यह लोन लिया है, कल्प पहले भी यह अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं, आज के ही दिन तुमको यह समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए, लक्ष्मी नारायण नंबर वन बनी है, जरूर अच्छी प्रालब्ध बनाई होगी, यह गॉड फादरली सेल्वेशन आर्मी है, सारी दुनिया को मुक्ति जीवन मुक्ति की सेल्वेशन देने वाली, सर्व का सदगति दाता राम, गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा, एक बाप से पूरा लव रखना है, आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। वरदान, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मत बच्चे मदद बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं, हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। स्लोगन, निर्माण चित के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति।